सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो सबको माइंड में ये रहता है कि यार चाइना में है और मतलब क्या खाता है। एक्चुअली मैं तो वेजिटेरियन, और जो मेरा दोस्त है ये कुछ भी खा सकता है, लेकिन फिर भी ये बाहर नहीं खाता, रूम पर ही बनाकर खाता है। तो आज मैं दिखाता हूँ कि हम सब्जियाँ लेते कहाँ से हैं, कैसे कैसे सब्जियाँ मिलती है, किस टाइप की सब्जियाँ मिलती है, तो वही मैं इस ब्लॉग में। हम दोनों आ चुके हैं वांडा मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए। हमारे पास में जो एरिया होता है ना, उसके अंदर यहीं पर ही आते हैं हम शॉपिंग करने के लिए, मोस्टली सब्जी वब्जी लेने के लिए। तो फ्रेश वेजिटेबल मिल जाती है और सही भी हो जाती है। आ चुके हैं हम वांडा मॉल के अंदर। मैंने कई स्वेटर यहाँ से भी ली थी, थोड़ी चीप है लेकिन अच्छी क्वालिटी है। और ये किसको चाहिए मुझे बता रहा है कमेंट के अंदर, है ना, बड़ा प्यारा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा। ये किसी को चाहिए, बैठ के सवारी कर सकते। ऑफ चल रहा है यहाँ पर गाइस, अपने इंडिया के मॉल जैसा ही होता है, ऐसा कुछ खास भी नहीं होता, अच्छा भी नहीं लग रहा मेरे को। तो मस्त है बैग, पर अक्षय कुमार जैसा वाला बैग तो है नहीं। तो हम जा रहे हैं डाउन साइड पे सब्जी लेने के लिए। यार ये चल ही नहीं रही है, पैदल चलवा रहे हैं, गलत बात, उससे नहीं चला जाता बिल्कुल भी, ये पता नहीं कैसे चल लेता है। और यदि गिर जाए यहाँ से तो आराम से वहाँ पे क्या एंट्री होगी सुपर हीरो की तरह, तो सोच तो सही। तो यहाँ इस तरीके से लगा रखा है इन्होंने कि कोई भी चीज़ उठा लो आप आराम से और पे कर सकते हो। और चावल आवल मैदा चीनी ये सब कुछ मिलती है, और हम यहीं से लेते हैं, फ्रेश होती है यहाँ पे। इस तरीके से देखो पैक करके रखा हुआ है। ये सेब है, अमरूद है, मुझे नहीं पता, गोल गोल से दो जो भी है, गलत है, दो नहीं तीन रखने चाहिए थे इनको, गलत मत समझना। 6.12 मतलब ये इंडिया के पड़ गया 70 इतने का, सिर्फ तीन पीस। पर हम जाते हैं ये छोटे छोटे, मैं तो पता नहीं क्या बोलता हूँ उनको, यहाँ कुछ और बोलते हैं, लेकिन मैं तो इन्हें मौसमी बोल, छोटी वाली मौसमी, बहुत मीठी होती है खाने में, कसम से बहुत ज्यादा मीठी। कमाल की बात ये है ना कि जैसे बड़े साइज के हैं तो उनमें बीज भी नहीं होते, आराम से खा सकते हो। और ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है, पीले पीले से, जिसको भी समझ में है मुझे बताना। ये मशरूम है, ये मुझे भी पता नहीं क्या है, हम ऐसी सब्जियाँ लेते नहीं है, ये शायद खाते हैं मतलब जिसकी चिप्स भी बनती है, हम ये नहीं ले रहे। एग अलग अलग क्वालिटी के एग बाहर से एक्सपोर्ट हो, तो अभी लिया है। ये क्या मिर्ची, अदरक मिर्ची। और मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे चल के, यार वो ले लेते ना पहले ट्रोली तो ले लेते तो बेटर होता। अरे इतना काफी है, ये देखिए नहीं काफी है। ठीक है चलो आगे चलते। प्याज तो है, प्याज है, टमाटर चाहिए, टमाटर पैक दो। सारी सब्जियाँ मिल रही है, एक तो कई कई सब्जियाँ ऐसी भी ना जो मैंने देखी भी नहीं है, और हम खाते भी नहीं हो सब्जी को, और मुझे लगता है कि आपने भी नहीं देखी होगी वो सब्जी। अलग अलग टाइप की पैक टमाटर, टमाटर हमने करा लिए, और एक अंडे की ट्रे, अदरक मिर्ची ले ली, बाकी देख रहे हैं कि और क्या सब्जी ले। ब्रोकली इसे पसंद नहीं है, वरना ब्रोकली बना के खा ले। सब्जी देख रहे हैं यार, पालक, पालक यहाँ पर देखो इस तरीके से ब्रोकली पे, ये पालक फली ले लेके वहाँ पे, वो फली वाली मटर है शायद, वो उसमें धागे धागे निकलने लगे थे, पता नहीं कैसी, तो समझ नहीं आ रहा सब्जी क्या ले, है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं ना। हाँ मशरूम ले सकते, पर वो वाले मशरूम नहीं है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल मिले हैं, ये पता नहीं कौन सा फ्रूट है, मीठा ही होगा शायद, जो भी है तो फ्रूट ही। कटहल खाएगा, कटहल पर मेहनत बहुत है यार इस कटहल में भाई, छिला हुआ नहीं है, यहाँ से देख लेते ना। अरे ये देख पैक टमाटर ही रहे यार, हमने ये देखा ही नहीं, पैक टमाटर। लौकी ले लेते हैं, बट लौकी सुनना, लौकी देखते हैं, लौकी 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 नहीं दिख रही है लौकी यार, लौकी तक नहीं दिख रही है, तू सोच रहा है भुट्टा, कौन भुट्टा, भुट्टा भुट्टा, अच्छा भुट्टा, गाइस भुट्टा ले लो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है सब्जियों का अकाल पड़ गया, मतलब इतनी सारी है लेकिन हमारे काम की नहीं है सब्जी, ऐसा सीन हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई और, एक और सब्जी ले लेते हैं बेटर है। चलो बस इतना ही सब्जी काफी है, बाकी तो मैं यही था क्योंकि हमारे काम की और चीजें है नहीं इसमें, जो चीज है वो हमने ले ली है। हाँ मतलब ट्रोली बोलते हैं एक तरीके से, पर जो भी है यार समझ लो यार, समझा करो ना थोड़ा, जितनी सब्जियां थी वो हमने ले ली जो भी काम के लिए, बाकी हम ऑनलाइन मंगवाएंगे सब्जियां। तो अभी बस कॉफी ले लेते हैं क्योंकि बाहर सारी शॉप बंद है, तो इस वजह से कॉफी ले रहे हैं अभी। ठीक है अब तो खुल जाएगा, महंगा है, सारी ऑन महंगा है। तो ये हम कॉफी यूज करते हैं, इंस्टेंट कॉफी सही होता है, कौन चाय वाय बनाए समझ रहे हो ना यार, आलसी लोग हैं। और क्या लेना, वैरायटी, चलो वैरायटी दिखाता हूं कॉफी की, यहां से स्टार्ट है कॉफी की वैरायटी, अब देखते जाओ कई ऐसी है जो कभी ट्राई भी नहीं की, कौन कौन सी कॉफी है क्या है, ये देखो देख रहे हो ना, बाप रे बाप। और जो हम यूज करते हैं मोस्टली वो ये वाली कॉफी यूज, हम ये मिल्क भी है, ये मिल्क है जितने भी हैं सारे, कोकोनट मिल्क, वो भी कोकोनट मिल्क, हमें तो सिर्फ एक दो ही चीजों को पता है, गाय का दूध, भैंस का दूध, उसके अलावा कुछ नहीं पता। देखो गाइस मैं चाइना का पार्ले जी दिखाता हूँ आपको, चाइना का पार्ले जी, चाइना का पार्ले जी कॉफी भी कभी ट्राई नहीं किया, बट ठीक है यार जो भी है। एक तो मैं इतना ज्यादा थका हुआ हूँ ना, वर्कआउट करके 2 बजे वर्कआउट करने गया था, 5 बजे फ्री होके आया वहाँ से और सीधा मार्केट आ गया, टाइम हो गया है 9:30, और उसके बाद फिर अभी खाना वाना बनाएंगे, ले ले वो वाला खा दे, तो वही है किसी को सवारी करनी है ना तो आके बैठ जाओ, मैं सवारी खिलाता हूँ। मौजी मौजी अपार्टमेंट से निकलते हैं, ये एरिया से निकलते हैं, और आगे हम जाते हैं कुछ और सामान लेने के लिए। कोक पिएगा,
पेप्सी। हाँ ये एकदम सही है, ये ले सकते हो। स्टारबक्स यहाँ पे, स्टारबक्स के वो भी प्रोडक्ट मिलते हैं थोड़े बहुत, जैसे कॉफी हो गया, मिल्क हो गया। सो हम बिस्किट वाले डिपार्टमेंट में आ गए। ये देखो सारे बिस्किट हैं, ब्रेड वाले, स्वीट ब्रेड सब। बट मैं अभी ये खा नहीं रहा क्योंकि मैं थोड़ा समझ रहा हूँ ना, जिम कर रहा हूँ, तो मीठी चीजों से अवॉइड हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। अब हम आ चुके हैं मिल्क वाले डिपार्टमेंट के अंदर। सारे वैरायटीज है मिल्क के, कुछ बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं और कुछ चाइना की है। हम जो यूज करते हैं मिल्क वो यहाँ नहीं है, हम नॉर्मल शॉप से खरीदते हैं मिल्क। यहाँ तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, देख लो प्राइस 44। तो अब यहाँ पे बिलिंग पे आ गए हम। इतनी भी ज्यादा लंबी लाइन नहीं है क्योंकि वैकेशन चल रहा है। और क्या मम्मी और बेटी देख दो कहाँ सामने, गाइस मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये बेटी और मम्मी, पता ही नहीं लग रहा उसकी बेटी भी है। बिलिंग का इंतजार कर रहे हैं यार, कितना सामान ले लिया इन्होंने, ऐसा खड़ा होना पड़ रहा है। अच्छा कैश दिए क्या, कैश में टाइम भारी मिस्टेक, ये हमने वेट किया ही नहीं। और ये भी यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मतलब कि होती है कई आई, मतलब आंटीज होती हैं यहाँ पे वर्क करने वाले, तो सब्जी को मतलब वेट करके देती हैं कि कितना हुआ है इसका, लेकिन वो नहीं है तो अब मुझे ही करना पड़ेगा। और मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं सेल्फ बिलिंग, कैसे करते हैं इसकी सेल्फ। ये होती मशीन, इस मशीन पे रखो इसे। चाइनीज में लिखा रहता सारा सब कुछ, पर इंग्लिश में भी है। वेजिटेबल क्लिक करो, और यहाँ मुझे टमाटर कहीं नहीं दिख रहा, बैक करो फिर से वेजिटेबल, और टमाटर कहीं है नहीं, हटाओ। इसके अंदर टमाटर नहीं है लेकिन फिर भी इसने बिल निकाल दिया, बेवकूफ मशीन है ये। मुझसे हो नहीं रहा था कि इसमें टमाटर दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी, तो अब आई को बुला के लेके ओके। अच्छा है, इसको दूसरा वाला बटन दबाना पड़ता, क्या रहेगा। हमारी सब्जियां हो चुकी है, ऑफलाइन में ज्यादा सब्जियां का ऑप्शन नहीं है हमारे पास की लेनी थी, वो हमने ले ली। एक दो दिन का काम चल जाएगा इससे, बाद में जब ये वैकेशन ऑफ होगा उसके बाद हम ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर करेंगे, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे लिए, और सस्ती भी पड़ जाती है और अच्छी वहाँ पर भी फ्रेश मिलती है। तो हम चलो एग्जिट करते हैं यहाँ से। तो यही था इसी ब्लॉग के अंदर।